तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, WhatsApp पर न्यू अपडेट आ चुका है। WhatsApp ने कुछ ऐसी अल्टीमेट सेटिंग ऐड की है जिसको यूज करने के बाद आप बोलोगे। अभी मजा आएगा ना। तो दोस्तों, जो सेटिंग WhatsApp ने ऐड की है वो दोस्तों काफी ज्यादा इंटरेस्ट होने वाली है। आपको इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बने रहना है। इस वीडियो में मैं आपको वह सभी अपडेट बताऊंगा जो WhatsApp ने WhatsApp के अंदर ऐड किए हैं और किस प्रकार से आप अपने फोन के अंदर इन्हें अप्लाई कर पाएंगे और क्या क्या आपको इनसे बेनिफिट होने वाला है। तो इसको जानने के लिए आपको इस वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन दबाना है ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और मिल सके और आप अपने फोन को एक अलग तरीके से यूज कर सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आते हुए एक प्यारा सा कमेंट करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो मैं आ गया हूं दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपनी फोटो को स्टिकर में सेंड कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी बंदे के पास आप अपने फोटो या उस बंदे के फोटो स्टिकर में सेंड करना चाहते हैं तो सिंपल आपको वो कॉन्टैक्ट ओपन कर लेना है। कॉन्टैक्ट ओपन करने के बाद आपको यहाँ मैसेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से इमोजी वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस होगा। तो अब आपको यहाँ स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। जो भी फ़ोटो आप स्टिकर में कन्वर्ट करना चाहते हैं आपको वो फ़ोटो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो मैंने फ़ोटो सेलेक्ट किया है ये फ़ोटो स्टिकर में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद आप इसको यहाँ से सेंड भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पहली ट्रिक का यूज कर सकते हैं। जो सेकंड ट्रिक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप किसी से बात करते हैं आप उस चैट को लॉक करना चाहते हैं। लॉक तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों जब कोई फोन लेता है वो लॉक चैट के अंदर देख सकता है कि आपने कोई चैट छुपवाई है। तो आपको क्या करना है, जो मैं ट्रिक बताऊँ वो अपने फोन के अंदर अप्लाई करना है। कोई भी बंदा ये नहीं पता लगा पाएगा कि आपने WhatsApp के अंदर कोई चैट हाइड कर रखी है या कोई चैट लॉक कर रखी है। इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए जो भी चैट आप लॉक करना चाहते हैं उसके ऊपर क्लिक करना है और प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा चैट लॉक, तो सिंपल आपको यहाँ से इसे ऑन करना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। इसके बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा लॉक चैट, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो चैट आपने लॉक की है वो यहाँ पे शो हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से चैट लॉक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको हाइड लॉक चैट के ऊपर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से आपको यहाँ से ऑप्शन मिलेगा क्रिएट सीक्रेट कोड, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ सीक्रेट कोड के ऊपर क्लिक करके आपको कोई भी एक यहाँ पे कोड डाल देना है। जैसे देखिए मैं डाल देता हूँ ABDC। इस प्रकार से आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोबारा आपको यहाँ पासवर्ड डालना है, वही सेम पासवर्ड डालने के बाद आपको यहाँ डन के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको बैक कर देना है। अब दोस्तों कोई बंदा ये नहीं पता लगा पाएगा कि आपने कोई भी चैट लॉक कर रखी है या हाइड कर रखी है। तो आप अगर इसको देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सर्च बार के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी पासवर्ड आपने लगाया था वो डाल देना है। डालने के बाद आपको यहाँ से ऑप्शन मिल जाएगा लॉक चैट, तो सिंपल आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो भी चैट आपने हाइड की थी वो चैट यहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को देखकर उस ट्रिक का यूज अपने स्मार्टफोन में कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।